नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। दिवाली का त्यौहार संपन्न होता है भाई बहन के प्यार के साथ। भाई के तिलक लगाकर बहन उनके घर सुख समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज का त्यौहार इस साल 2 दिन मनाया जाएगा। दिवाली से 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज मनाई जाती है। भाई दूज में बहन रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीष देती है। अन्नकूट और गोवर्धन की तरह इस पर्व की भी धूम विशेषकर मथुरा में सबसे ज्यादा देखी जाती है। यहाँ मथुरा के विश्राम घाट पर भाई बहन यमुना नदी में स्नान करते हैं। भाई दूज इस साल 14-15 नवंबर 2023 के दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से शुरू होगी, जो 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 पर समाप्त होगी। भाई दूज की पौराणिक कथा के अनुसार यमुना जी ने अपने भाई यम देवता को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। जब यमुना के घर गए तो बहन ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया, साथ ही साथ यम देवता से वरदान मांगा कि जो बहन अपने भाई को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर घर में बुलाकर टीका करे और उसे भोजन कराए, उसके भाई को यम का कोई भय न हो। तब यमराज ने उन्हें तथास्तु कहकर यमुना को उपहार देकर यमलोक वापस चले गए थे। मान्यता है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को शुभ मुहूर्त में टीका करेंगी और पूरे साल यम देवता के भय से मुक्त रखते हैं। सुख सौभाग्य प्राप्त भी होता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज वाले दिन जो भाई बहन के हाथ का भोजन करता है उसे धन, आयुष्य, धर्म, अर्थ और अपरिमित सुख प्राप्त होता है। इस दिन देवी यमुना और धर्मराज यम की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल चंद्र दर्शन की परंपरा है और सायकाल घर के बाहर 4 बत्तियों वाला दीपक जलाकर दीप दान करने का नियम है। मान्यता है कि ऐसा करने से कल्याण और समृद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ समाप्त हुआ हमारा दीपोत्सव का त्यौहार। अगली बार आपसे मुलाकात करती हूँ सनातन धर्म से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।